किसानों को सहकारी समितियों से यूरिया व खाद उपलब्ध कराने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों ने दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधीश को सौंपा ज्ञापन। किसानों को सहकारी समितियों से यूरिया व खाद उपलब्ध कराने और कालाबाजारी रोकने की मांग को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी की प्रदेश महासचिव दुर्ग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा और समितियों के माध्यम से जल्द खाद व यूरिया उपलब्ध कराने की मांग की। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव नियाज खान ने कहा कि सहकारी समितियों में यूरिया व खाद की कमी होने से बाजारों में ब्लैक में दुगनी कीमतों पर यूरिया व खाद बेचे जा रहे हैं। उन्होंने गेहूं का धान की खेती के लिए समय पर खाद व यूरिया उपलब्ध कराने की मांग का ज्ञापन सौंपने के दौरान समाजवादी पार्टी के सदस्य बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस संबंध में पार्टी के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। खाद की महंगाई को लेकर आए हैं, रबी की फसल में यूरिया खाद किसानों को बहुत महंगी मिल रही है और सरकारी दुकानों में मिल नहीं रही है, प्राइवेट में काला बाजारी में मिल रही है, ज्यादा रेट मिल रही है। इसके उपलक्ष्य में आया हूँ मैं, गोविंद प्रसाद शुक्ला, प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश। काला बाजारी हो रही है तो उसे कहीं पर आपने कोई शिकायत देगी है, कहीं पर कुछ ऐसा सुना है? लोगों ने आगे बताया है कि हमको सरकारी समिति की जो दुकानें हैं वहाँ नहीं मिल रही खाद, अन्य दुकानों में प्राइवेट दुकानों में मिल रही है जिसमें कि उचित रेट न लगे, जहाँ डबल रेट में बेचते हैं डेढ़ रेट में बेचते हैं। मैं मोहम्मद नियाज खान, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से माननीय कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से ज्ञापन देने आया हूँ कि यूरिया खाद अभी गेहूं में पानी लगने के बाद अभी आवश्यकता है कि सोसाइटी में ये भी उपलब्ध नहीं है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। दुकानों में जो प्राइवेट दुकानें हैं शहरी या ग्रामीण में, वो डबल रेट पर यूरिया खाद बेच रहे हैं, कालाबाजारी रोकी जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि खासतौर से सोसाइटी में वो खाद अतिशीघ्र उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि जनमानस को, किसानों को तकलीफ न हो। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।